नमस्कार, आज हम बात करते हैं जो भारत नेपाल के बीच में काला पानी क्षेत्र को लेकर विवाद हो रहा है, आखिर वो क्यों हो रहा है, उसका क्या वजह है और उसका इतिहास क्या है। देखिए, अभी हाल में ही भारत सरकार ने 2 नवंबर 2019 को जो भारत का नया नक्शा जारी किया है, उस नए नक्शे में नेपाल को ये आपत्ति है कि जो काला पानी क्षेत्र है वो कहना उनका नेपाल का कहना है कि वो नेपाल के दरचूला जिले का एक भाग है, जबकि भारत सरकार उसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का पार्ट दिखाती है। तो नेपाल का कहना है कि ये भारत और नेपाल के बीच में एक विवादास्पद क्षेत्र है और भारत को इस विवादास्पद क्षेत्र को अपने किसी भी राज्य या जिले में नहीं दिखाना चाहिए। देखिए, काला पानी क्षेत्र क्या है? काला पानी एक नदी है, उसके कारण से काला पानी क्षेत्र कहा जाता है। वर्ष जब 1962 में भारत और चीन की लड़ाई हुई थी, भारत और नेपाल के बहुत मधुर संबंध थे और भारत ने उस समय जो काला पानी क्षेत्र है उसकी जो ऊंची पहाड़ियां हैं उस पर अपनी सैन्य चौकी बना ली थी और उस सैन्य चौकी के माध्यम से वो चीनी सैनिकों की गतिविधियों पर नज़र रखे हुए था। और उस समय नेपाल का बहुत सहयोग मिला भारत को और भारत पर उस समय चीनी सैनिकों ने आक्रमण भी नहीं किया। तो तब से लेके अब तक लगातार जो काला पानी क्षेत्र है उस पर भारतीय चौकी बनी हुई है। चूँकि यह एक ट्राई जंक्शन है, यहाँ पर चीन की सीमा भी लगती है, नेपाल की सीमा भी लगती है, भारत की सीमा भी लगती है, तो सामरिक दृष्टि से ये काला पानी क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस कारण भारत चाहता है कि यह यहाँ पर हमेशा उसकी चौकियाँ बनी रहें। लेकिन अब नेपाल ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है विभिन्न क्षेत्रों में, तो इसको लेके ये निरंतर विवाद बन रहा है। भारत का ऐसा कहना है कि चूँकि काला पानी नदी बाढ़ के कारण अपना रास्ता बदलती रहती है, इस कारण वहाँ बॉर्डर भी बदल जाती है। इसलिए एग्जैक्ट ये कहना कि जो जहाँ जिस क्षेत्र में भारतीय चौकी है वो नेपाली क्षेत्र है, ये मुश्किल है। नेपाल की अपनी आपत्तियाँ हैं इसको लेकर। तो फिलहाल भारत का एक और भी आपत्ति है कि ऐसा तो नहीं कहीं चीन के उकसाने पे नेपाल ये मामले को उठा रहा है। देखिए, पिछले अगर हम एक दो वर्षों की बात करें तो भारत नेपाल संबंध थोड़े से ख़राब हुए हैं, चाहे वो मधेशी इशू हो, इसके अलावा जो चीन का नेपाल में प्रभाव बढ़ रहा है, जो नेपाल अब जो भारत की बड़े भाई वाली भूमिका को भी पसंद नहीं कर रहा है, तो इस तरह से भारत नेपाल के बीच में कुछ तनाव बना हुआ है और उसी तनाव में ये काला पानी क्षेत्र भी एक नया तनाव का इजाफा कर रहा है।